पोस्टेड है और यहाँ बिना मास्क के और मास्क के ही चालान काट रहे हैं। बड़ा अफसोस है हमारे उत्तर प्रदेश के कानून का, ये हाल है हमारे उत्तर प्रदेश कानून का। नहीं सर, आप एक कानून के रखवा लें सर, और आप ऐसे और को नियम और उसके ही चालान काट रहे हो बिना मास्क के। नहीं नहीं सर, देखो आप सर चालान आप नशे में धुत दरोगा की लोगों से मारपीट अभद्रता करने की तस्वीरें आई सामने। नशे में धुत दरोगा पर लोगों से मारपीट अभद्रता के साथ ही अवैध वसूली का भी लगा आरोप। बिना मास्क लगाए शराब के नशे में धुत होकर लोगों से मारपीट करने का आरोप। मौके पर मौजूद लोगों ने शराबी दरोगा की लगाई क्लास। दरोगा के हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराबी दरोगा को किया काबू, कराई मेडिकल जांच। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि। एसपी चक्रेश मिश्रा ने शराबी दरोगा के मामले की जांच के बाद कही कार्यवाही की बात। चंदौसी कोतवाली में तैनात नशेड़ी दरोगा राम भूल सिंह, चंदौसी कोतवाली इलाके में देर रात का मामला। एक्टिविटीज को साथ साथ देखते हैं और साथ में के स्मेल में भी अल्कोहल का मात्रा लगी है, मतलब ये नशे की हालत है। कल देर रात सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दरोगा रामभूल सिंह जो थाना चंदौसी पर तैनात हैं, इन पर एक आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा शराब पीकर लोगों का चालान काटा गया तथा कुछ लोगों के साथ अभद्रता की गई। तत्काल प्रभाव से इनको लाइन हाजिर किया गया था तथा इनको मेडिकल के लिए भेजा गया था। अभी मेडिकल की रिपोर्ट में इनको शराब पीने की पुष्टि हुई है, अतः इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है तथा पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी चंदौसी को सौंपी जा रही है। धन्यवाद।